नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज की जो कहानी है वह शक्तिशाली पिता पर आधारित है और हमारे जीवन में पिता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है शक्तिशाली पिता। अब कहानी में एक पिता है और एक बेटा है। एक गरीब पिता ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने का फैसला कर लिया था। बच्चों, यहाँ पे एक गरीब पिता अपने एकमात्र संतान को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहता है। हमारे भी तो माता पिता यही चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े बने, अच्छे बने। ऐसी ही कामना इस कहानी में एक पिता अपने बेटे के लिए करता है। अब बेटे को बड़ा इंसान बनाने के लिए पिता दिन रात मेहनत करता है और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाता है। हमारे भी तो पिताजी हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम भी उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए पढ़ाई करते हैं। अब कहानी में बेटा भी खूब मन लगाकर पढ़ता है। एक दिन पिता का सपना सच हो गया। वह दिन आ गया जो पिता ने फैसला किया था कि बड़ा इंसान बनाना है। वह फैसला अब पूरा कर दिया था पिताजी ने। अब सपना भी सच हो गया। बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया और उसमें बहुत सफल भी हो गया। अब बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और अपने व्यवसाय में वह बहुत सफल भी हो गया। एक दिन बेटा अपने बड़े और आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था। एक दिन की बात है कि बेटा अपने बड़े से और शानदार ऑफिस में बैठा था। तभी उसके ऑफिस में उसके पिताजी आते हैं उसका ऑफिस देखने के लिए। पिताजी देखते हैं कि मेरा बेटा अपने ऑफिस में एक शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ है और उन्हें बड़ा गर्व होता है अपने बेटे पर। पिता को देख बेटा बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे पिताजी मेरे ऑफिस में आए हैं। तो वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। लेकिन पिता ने बेटे को कुर्सी पर बैठाया और बेटे के पीछे खड़े हो गए। पुत्र को कुर्सी पर बैठाते हैं और उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का एहसास किसे होता होगा? बेटा तुम जानते हो कि अगर आज किसी को इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का अनुभव किसे होता होगा? बेटा क्या कहता है? पिता आगे कुछ और बोल पाते, पिता आगे कुछ बोलने ही वाले थे तभी बेटे ने कहा, पिताजी हाँ मैं हूँ सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता की बात काटते हुए बेटा कहता है, पूरी भी बात नहीं होने देता है पिता की, और बेटा कहता है, पिताजी मैं सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ इस दुनिया का। पिता ने सोचा था कि बेटा उन्हें ही सबसे शक्तिशाली कहेगा। पिता को ऐसा लग रहा था कि बेटा कहेगा कि पिताजी आप ही सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन बेटे के इस जवाब से उन्हें बहुत निराशा हुई। बेटे का जवाब सुनकर पिता बहुत नाराज़ हुए, निराशा हुई, दुख हुआ। पिताजी कहते हैं, ठीक कहा बेटा। और इतना कहते ही पिता बेटे के ऑफिस से जाने ही लगे थे, मतलब ऑफिस के बाहर निकल रहे थे कि एक बार और पिताजी पीछे मुड़कर वही सवाल बेटे से करते हैं कि इस दुनिया में सबसे
शक्तिशाली बनने का एहसास किसे होता होगा? तो सवाल बेटे से किया, बेटा तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? पिताजी पुनः कहते हैं कि तुम्हें अभी भी लगता है कि इस दुनिया में तुम ही सबसे शक्तिशाली हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो आप हैं। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। पिता ने फिर पूछा, हाँ पिताजी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के हाथ मेरे कंधे पर थे, इसीलिए उस वक्त मैं खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस कर रहा था। बेटे ने ये जवाब दिया। विद्यार्थियों, आपको समझ रहा है ना? ये सुन पिता की आंखों में आंसू आ गए। यह जवाब सुनकर पिता के आंखों से आंसू झलकने लगे और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अवश्य समझ में आई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार है। यदि उनका आशीर्वाद है तो हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद और माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनके दिए हुए सुझावों को गंभीरता से लें। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि इस सीख को आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। अच्छा, तो पुनः एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ मैं आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।